एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त गार्गी एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम इन योर चैनल जिसका नाम है ब्यूटी एंड फिटनेस मंत्रा विद गार्गी। और राइट गाइज, हम हमेशा ब्यूटी की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मैं मिनी रिव्यूज आप सबके लिए लेके आती हूँ एंड दैट्स व्हाई वंस अगेन आई एम हियर विद अ वेरी 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 चॉकलेटी, नहीं नहीं ये फूड चैनल नहीं है, मतलब मैं कोई चॉकलेट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, बट गाइज दिस इज अ प्रोडक्ट आई एम ग्लूड टू। मतलब मैं ऑलमोस्ट ये एक, मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि इट्स अ मिथ कि हमें हर दिन स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्क्रब बहुत माइल्ड है, अगर हम आयुर्वेदिक या एंशियंट टाइम्स का देखें, तो पहले के लोग डेफिनेटली उनको स्क्रब का मतलब नहीं पता था, ये वर्ड तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी होम रेमेडीज में जैसे बेसन हो गया या उसमें कुछ भी मिक्स करके लेडीज गर्ल्स एज अ स्क्रब एवरी डे यूज करती थी और वो उनकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि बेनिफिट ही करता था। क्यों? क्योंकि उसके इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे होते थे। तो मेरा मानना है आज के टाइम में अगर हम घर पे कोई स्क्रब नहीं बना सकते हैं, जल्दी होती है, ऑफिस गर्ल्स होते हैं, हॉस्टल में गर्ल्स होती हैं, बॉयज होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, बट स्टिल वी नीड सम काइंड ऑफ स्क्रब जो हमारी स्किन को इंस्टेंटली एक ग्लो दे। एंड अगर वो चॉकलेट फॉर्म में है, गाइज ऑलरेडी माई माउथ इज वॉटरिंग, क्योंकि जब मैं इसे यूज करना शुरू किया तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए अब तो मुझे। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, अगर वो अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरा सिंपल स्किन केयर रूटीन मैंने शेयर किया है, वहां भी मैंने ये यूज किया है, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली इसका एक इंडिविजुअल मिनी रिव्यू बनता है। ये एक चॉकलेट स्क्रब है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड एथिओल रेमेडीज। गाइज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है टेलीविजन पे एंड हर जगह बड़े बड़े एड्स देते हैं, डेफिनेटली उसके बारे में हमें पता चलता रहता है क्योंकि हम सालों से वो एड्स टीवी पे देख रहे हैं। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो साइलेंटली काफी अच्छा काम कर रही होती हैं, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम अवेयर नहीं होते हैं क्योंकि शायद हमने उनका एड नहीं देखा है, या कई बार कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लोगों तक पहुंच जाता है विद जस्ट वर्ड ऑफ माउथ कि मुझे कोई चीज अच्छी लगी, मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताया कि मैम ये चीज बहुत अच्छी है आप ट्राई करना, और कई बार वो चीज वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर हो जाती है। एंड ऐसे ही मैं इसी कंपनी के अक्रॉस आई थी, एथिओल रेमेडीज एक करके कंपनी है, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर कर लूं। एंड ये जो चॉकलेट स्क्रब है, मैं इसके आपको 3 बेसिक बेनिफिट्स बता देती हूँ जो बहुत बहुत ही कारगर साबित होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में बिजी रहते हैं और स्किल बहुत डल और डार्क हो गई है, या हॉस्टल में आपके पास टाइम नहीं है कुछ घर में होम रेमेडी करने का, या स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज हु गो टू ऑफिस एंड जो सिर्फ अपना फेस वॉश करके निकल जाते हैं लेकिन स्क्रब करने का टाइम नहीं मिलता, उन लोगों के लिए ये डेली बेस पे भी गाइज स्क्रब बहुत अच्छा है। अगर आप इसे डेली भी यूज करेंगे ना, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसको अल्टरनेट डेज तो यूज कर ही रही हूं, अगर डेली नहीं तो यू कैन यूज इट अल्टरनेटिवली। एंड मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूं, ये एक चॉकलेट स्क्रब है, बेसिकली स्क्रब का नाम चॉकलेट स्क्रब ही है, एंड इसकी फ्रेग्रेंस की भी मैं आपको बात बताऊंगी, तो इट एग्जैक्टली स्मेल्स लाइक डार्क चॉकलेट, और जैसे जैसे आप इसको अपनी स्किन पे रब करेंगे, एक और बात में से बात निकली, तो इसका बेनिफिट ये है कि ना केवल ये फेस स्क्रब है, ये बॉडी स्क्रब भी है, और बॉडी पे आपकी जितनी टैनिंग है उसको भी निकालेगा। गाइज आई एम यूजिंग इट ऑन माई हैंड्स एंड ऑन माई फेस, एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, दिस चॉकलेट स्क्रब इज प्रीमियर इंग्रेडिएंट्स एंड मिनरल्स पॉलिशेज अवे डल स्किन थ्रू माइल्ड एक्सफोलिएशन ऑन स्किन, इट रिमूव्स एक्सेस ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम द स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स सीबम फॉर्मेशन विच लीड्स टू एक्ने। चॉकलेट स्क्रब्स गिव्स डिलीशियस अरोमा ऑन द स्किन। तो इसके 3 मैं बेसिक बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ गाइज कि ये माइल्डली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, और जो आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल जो फॉर्म होता है, जो एक्सेस सीबम का जो फॉर्मेशन होता है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। तो आपके सबसे पहले तो एक्सेस एक्ने, जो पिंपल्स की फॉर्मेशन शुरू होती है वो एक्सेस ऑयल से आना शुरू होती है, वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी बात,
जो आप फेस्टिवल्स में, दिवाली हो गई या जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, हम लोग पार्लर जाके काफी यू नो एक्सपेंसिव बॉडी पॉलिशिंग कराते हैं स्किन में शाइन लाने के लिए. एंड यू नो जिससे कि अगर हम कुछ बैकलेस ब्लाउज पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, तो हमारे शोल्डर्स, हमारी स्किन डिटैन रहे. एंड यू नो स्किन पॉलिशिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है गाइज, इन पार्लर्स इट्स सुपर एक्सपेंसिव. तो ये आपकी स्किन में एक यू नो स्किन पॉलिशिंग का काम करेगा, आपकी स्किन में एक्ने नहीं होने देगा, आपकी स्किन में से डलनेस है उसको निकालेगा, एक्स्ट्रा ऑयल निकालेगा, एंड बहुत माइल्ड है तो आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं होगा. एंड फाइनली द अरोमा, द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग. मतलब आपको मन करेगा कि ये चॉकलेट मैं खाई लूं, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट ईट इट, इट्स ओनली फॉर द एप्लीकेशन. एंड मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कॉस्ट जरूर बताती हूँ. जो इसकी कॉस्ट है दैट इज अराउंड 449. मुझे स्लाइटली हल्का सा ओवर प्राइस लगा, मतलब आई वॉज थिंकिंग अगर 300 के अंदर होता तो अच्छा रहता, बट इट इज 449. जब मैं यूज करने लगी तो मुझे लगा द मनी इज वर्थ इट. मतलब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम नहीं लूंगी, बट कुछ मार्केट में ऐसी बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं जिनमें चॉकलेट बॉडी स्क्रब अवेलेबल है, बट गाइज दे आर नॉट पॉकेट फ्रेंडली. मतलब दे आर अबव 800, दे आर अबव 900. तो अगर ये आपको 449 का मिल रहा है, डेफिनेटली फॉर स्किन पॉलिशिंग एंड फॉर योर यू नो ग्लो ऑन द फेस, बॉडी एंड फेस दोनों के लिए है, तो 449 इसकी कॉस्ट है. और अगर इसके इंग्रीडियंट्स की बात करें तो दिस हैज डीएम वॉटर, इट हैज गाइज जिंक है, और इसमें वॉलनट है, वाइटामिन ई है, एंड डेफिनेटली इसमें चॉकलेट एक्सट्रैक्ट तो है ही. एंड 100 ml आपको क्वांटिटी मिल रही है. एंड अब मैं आपको एक बार इसका गाइस जो कंसिस्टेंसी है या जो कलर है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक यू नो चॉकलेट स्प्रेड, जो कई बार हम लोग एज स्प्रेड जो हम ब्रेड पे लगा लेते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, चॉकलेट स्क्रब. और इसकी एक अमेजिंग बात यूज करने के बाद मुझे पता लगी कि अगर आप इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार स्क्रब करेंगे गाइस, दिस डार्क चॉकलेट कलर टर्न्स लाइक व्हाइट चॉकलेट. धीरे धीरे आपके यू नो ये जो डार्क ब्राउन कलर है चॉकलेट का, वो ऑलमोस्ट व्हाइट होने लगता है आफ्टर यू स्क्रब फॉर 1 to 2 मिनट्स. एंड दिस गिव्स योर स्किन ब्यूटिफुल यू नो, बहुत प्यारी आपकी शाइन आती है. आप चाहे इसे अपनी कॉलर बोन पे लगाइए, अपने हैंड्स पे लगाइए, फेस पे लगाइए, एंड इट स्मेल्स अमेजिंग. तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको इसकी कॉस्ट बता दी है, 449 का है, अच्छी खासी आपको 100 ml यू नो क्वांटिटी मिल रही है. एंड ये जो कंपनी है दिस इज फ्रॉम एथियोल रेमेडीज. मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यू नो प्रॉपर लिंक भी डाल दूंगी, इफ यू वांट टू बाय फेस्टिवल टाइम में अगर चाहते हैं बॉडी पॉलिशिंग, फेस पॉलिशिंग, 449 में आपको आराम से हो जाएगी, सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर. एंड जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली माइल्ड स्क्रब ये कर सकते हैं वंस अ डे, या ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं. तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज, मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए. एक मिनी सा रिव्यू था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज दिस चॉकलेट स्क्रब इज अमेजिंग गाइज, अमेजिंग. फेस्टिवल्स के लिए तो सुपर्ब है, आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए इफ यू ट्रस्ट मी. एंड आज का मिनी रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइए, काफी लाइक्स दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन हो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटिफुल.